सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जेएसआर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। भाई एक बार तो साइड कैमरा को मार के दिखा, ये अभी मेरे ख्याल से लगभग 7 बस हैं, 2-3 बस और आनी हैं और ये जान लग रही है महिलाएं हरिद्वार नाण। भाजपा के जितने जिला अध्यक्ष हैं उनके लिए चैलेंज नहीं बन जावा है यार, मुकेश कोड़ी इस टाइप का प्रोग्राम कर रहा है, हमने और कुछ ना कुछ करके दिखाना पड़ेगा ना। वो किसी के लिए कोई चैलेंज नहीं होता, मेरे से बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम करने वाले लोग हैं, मुझे आत्मिक संतुष्टि मिलती इस प्रकार के कार्यक्रम करने से। कोई ओम बका के कि मैं 200-400 तो नहीं ले लिए किसी का, वो कहते हो फ्री में घुमाओ और 200-400 कह के ले लियो। सारी की सारी बस एसी वाली है, तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। भाई इस टाइम आपा हाँ भिवाणी में, और भिवाणी में कुछ हमारी माताएं बैठी हैं और ये सवेरे सवेरे चाल पड़ी भाई हरिद्वार, भजन कीर्तन पूरे देखो ये भी है और ढोलक ढालक सब कुछ ले रहे हो जी, सारा कुछ ले रहे हो? हाँ, सारा कुछ ले रहे हो भाई। यो दूर तक बजाने जाओगे? हाँ, दूर तक बजाने जावांगे भाई। अच्छा जी। हाँ। तो कौन ले जाने लग रहा है आपने? हमने मुकेश गोड ले जाने लग रहा है। मुकेश गोड? हाँ। क्यों पहली बार जाओ, पहले भी कोई ले गया? ना, पहली बार जावा भाई हम। पहली बार जाओ? हाँ, पहली बार जावा भाई। पहली बार। अच्छा वो हरिद्वार कितने बार जाए भाई? हम गए नहीं सा, आज तक गए नहीं भाई, हम तो नहीं गए सा। अच्छा आप गए हो जी? कदे भी नहीं गए? कदे ना गए। तो ये तो फिर बढ़िया काम होया, वो तो हरिद्वार श्रवण कुमार ले गया था अपने माँ बाप ने, हैं? अरे मुकेश रोड लेके जाने लग रहा है, देंगे, उनको जिताएंगे, बनावांगे भाई, बनाओगे? बनावांगे भाई। अच्छा हाँ। वो तो बड़का का फर्ज है ले जाने का, लेकिन चलो जो भी ले जाए वो बड़के आपका है, है भाई, है ना? हाँ, हमारे बाकी से। अच्छा कोई ओम बका के कि मैं 200-400 तो नहीं ले लिए किसी का, किसे नहीं लिए नहीं भाई, अरे वो कहते हो फ्री में घुमाओ और 200-400 कह के ले लियो। अच्छा रोटी पानी यही खुआओगे का आप अपने पल्ले तक खुआओगे? मिलेंगे रोटी यही खुआओगे? अच्छा देव दादी चाल पड़ी। अच्छा सारे ब्याणी थे, ब्याणी के आसपास के गम्मा थे? हम तो फुलपुरा का ऐसा भाई। अच्छा हाँ, फुलपुरा कैसा भाई हम तो। देखो भाई यह बड़ी बात है, सिर्फ फ्री फ्री में ले जाते नहीं, खाना खोना चाहे दो बार खाओ चाहे चार बार खाओ, सारा मुकेश गोड़ के खर्चे पे है। हाँ भाई। है ना? हाँ भाई, नो है। कोई लुकमा चिम्मा 200-400 नहीं लिए ना? बात को नहीं भाई, कदे बेरा लग गया भाई 200 रुपए क्या है के ले लिए, 400 ले लिए, कोई नहीं लिए। तो मेरी वो जो भजन गाओ थे एक बार सुनाओ तो, फिर आप जाओगे क्या? अच्छा आ जाओ, बैठो बैठो सुनाओ भी। तो भाई अभी मुकेश गोड़ जो भेजने लग रहे हैं बसा में, भी बस किसी है, बस की स्थिति दिखा दूं, ये बस आप देखने लग रहे हो सारी की सारी बस एसी वाली है, नो नहीं के भी टूटी फूटी बस है और बिरान माटी में गर्मी में परेशान होकर जावा है, ऐसी स्थिति नहीं है और सारे महिलाओं के लिए सारी बसें हैं। अब यहाँ पे सारे हमारे बुजुर्ग बैठी हैं, कुछ जेंट्स भी हैं 2-4% शायद वे सीट पक्की कर रहे हैं ज्यादा बैठे हैं, बाकी यहाँ पे पूछेंगे सबसे कि यहाँ पे मुकेश गोड़ जो ले जाने लग रहे हैं वो कोई लुकमा छिमा 200-400 रुपये तो नहीं ले रहे? हालांकि कई बसा मैं पता कर लिया ऐसा नहीं है, और यहाँ पे क्या है इन सभी आप कन्फर्म कर ले वहाँ पर। राम राम जी। राम राम जी।
अच्छा मुकेश गोड आपने ले जाना लग रहे हैं, पहली बार जाओ हरिद्वार? पहली बार जाओ जी, पहली बार जाना, पहली बार जाओ जी, हाँ जी। अच्छा हाँ जी, पहली बार। कोई यूं तो नहीं भाई 200-400 रुपए लियो? नहीं जी नहीं जी नहीं, जैसे कोई कोई हो नहीं जी, कोई पैसा जो नहीं, कुछ पैसे नहीं लियो, फ्री में जाना लग रहे हो? अच्छा फ्री में जाना, फ्री में जाना लग रहे हो? हाँ फ्री में जावा जी। दादी कि मैं 200-400 ले तो नहीं लिए पका के ले लियो? ना कुछ भी कौन लिए, कुछ भी नहीं लिए। अच्छा रोटी पानी? अरे मुकेश बाबू जी खुआ, मुकेश गौड़ जी खुआंगे, मुकेश बाबू जी, मुकेश जी खुआंगे। पहली बार जाने लग रही था जी? पहली बार जाओ, पहली बार जाओ, बार फिर फ्री में पहली बार जाओ। ठीक बात है। देखो भाई हरिद्वार जाने का लगभग 1500-2000 रुपए खर्चा हुआ है, खैर ये सौभाग्य की बात है, भगवान की देन है। जो आदमी बहुत सारे बहुत देश दौरे पीसा है और देश पीछे ने दान पुण्य में लगाव है कि नहीं, हालांकि मुकेश गौड़ साहब दौरे भी मैंने नहीं कहता पीछा नहीं पीछा बतेरा है, पर आपकी लालसा देखी जावे है कि पीछा दान पुण्य में लगाव है कि नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो भेजे हैं लेकिन भाई खाना पीना थारा मारी तो बस बस होगी, लेकिन यहाँ पे यह बात देखना भाई, खाना पीना और सारे खर्चे जी हाँ, मुकेश गोड उठा हाँ, है। तो यह बड़ी बात है, पहली बार जाओ हाँ। तो गंगा मैया आज तक देखी नहीं थी? टीवी में देखी होगी हाँ, टीवी में देखी थी भाई। वाह जी वाह। तो फिर कोई भजन भुजन की मैं सुनाओ मेरे? पहली बार जान लग रहे हो? अच्छा फिर की मैं भजन भुजन की मैं तो सुनाओ, सुनाऊंगी भाई अगले सुनाऊंगे, अगले अगले करके सारी कुर्सी खाली होली है जी। अच्छा देव दादी बैठी है बड़ी, क्या सुनाओगी? राम राम जी, सत साहिब। शिव शंकर चले कैलाश, बूंदियां पड़ने लगी, भोले बाबा चले कैलाश, बूंदियां पड़ने लगी, ए पार्वती ने बो दई हरी हरी मेहंदी, पार्वती ने बो दई हरी हरी मेहंदी, शिव शंकर ने बो दई भांग, बूंदियां पड़ने लगी। वाह जी वाह, वाह जी वाह। देखो भाई ये है उत्साह और खाना पीना रहना तो करके सुबह जाऊंगे रात तक आ जाऊंगे और ये सारी सुविधा वातानुकूलित बस के अंदर। तो भाई चलो अब मुकेश जी से बात कर लेवा। भाई साहब राम राम प्रणाम जय हिंद। राम राम, राम राम जगदीप भाई। भाई साहब कैसे आप? मैं अच्छा हूँ, आप बताएं? एकदम बढ़िया जी। सारी मेरे ख्याल से आप भिवानी हल्के की बात करा, जितने लगभग 2 लाख वोट होंगी जिनमें से अगर महिलाएं की वोट काउंट करा तो 80-90 हजार होंगी। इतने इलेक्शन नहीं आता, सब ने एक बार तो हरिद्वार नुहा दोगे आप? नहीं आप इसने इलेक्शन से ना जोड़े, मैं सारे पत्रकार साथी जिसने भी कहा वो इन्हें इलेक्शन तो जोड़ दे हैं, क्योंकि आप राजनीति का मैं पॉलिटिकल व्यक्ति हूँ इसमें कोई दोराय नहीं, और राजनीति करते नहीं करते अगर से वैसे तो राजनीति का भाव ही सेवा नीति है, और राजनीति करते करते अगर सेवा हो जाती बहुत अच्छी बात है, सेवा कर रहा हूं। तो इस सेवा में इतने इलेक्शन आवे सारी महिलाओं ने आप नुहा दोगे मेरे ख्याल से हरिद्वार गंगा मैया? नहीं ये तो श्रावण तक का है, ये जितनी भी 8-10 बसें भरती हम श्रावण श्रावण का महीना जो है शिवरात्रि शुरू की थी श्रावण के महीने में चलेगी। खट्टू जी और सलासर जी पहले से ही हम भेज रहे हैं। यही बात मैं पूछने वाला था, खैर ये तो कोइंसिडेंटली इलेक्शन आ गया 2 महीने बाद, नहीं तो आपका लगभग साल भर से 8-9 महीने से खट्टू श्याम बाला जी का आपका पिछली बार अक्टूबर से शुरू किया था तो लगातार वो चल रहा था। हाँ जब तक बीच में एक बार ट्रेजडी होगी परिवार में तो बंद होगी थी, नहीं तो चली रही है। तो अब जो ये महिलाएं हैं सारा खर्चा पानी मुकेश गौड़ जी ने उठ रखा है? ना ना भोलेनाथ ने उठ रखा है, उसका आदेश है कि सारी व्यवस्थाएं यहाँ से आपने कुकर मिला तो मिल गया मेरे तीन मिल गया, और यहाँ से चल करके रास्ते में मन्नत ढाबा है पानीपत से निकल के हरिद्वार से 70 किलोमीटर पहले मन्नत ढाबे पर इनकी भोजन की व्यवस्था है, और वो खर्चा भी आपका ही है भोलेनाथ का, वो भी उनका आदेश है, मतलब खर्चा क्या होता अपना के है अपना पल्ल कुछ नहीं, बाकी वो भगवान भोलेनाथ का आदेश है कि आपने ऐसी व्यवस्थाएं करनी है। यो डेली की 8-10 बसें जान लो? हाँ डेली जा रही है, क्योंकि ओकेजनली सैटरडे संडे वीकेंड में क्लास ना नहीं तो सामने के 15 दिन सारे हैं, 15-16 दिन की सारी व्यवस्थाएं। इसके बाद की क्या? इसके बाद खट्टू जी साला सर तो नियमित तौर पर है, वो तो चलती रहेगी। तो अब यो क्या दिमाग में टारगेट आया भाई
अब फिर वही बात कहोगे भाई भोले ने दिमाग में डाल दिया तो कहने उसके बड़ा एक बार रात ने सुत्या था तो भोलेनाथ रमा गंगा आए इन्होंने भी लेके हाथ में शुरू कर दिया प्रोग्राम। अब मैं देखने लग रहा था महिलाओं से भी मैंने पूछा मकाम बका सका के 200-400 रुपये तो नहीं ले लिए तो सारी ने बोली ना जी कुछ नहीं लिया तो कहीं से कोई हिडन चार्जेस कहीं दिखे नहीं मैं। ना ना पाप का काम है या तो आप दिखाओ मतलब अगर इसी काम में आप अगर हिडन चार्ज ये करके इसको कैश करोगे तो भगवान भोलेनाथ फिर तो उल्टा परिणाम देना शुरू कर देगा। क्या ऐसा भी कोई टारगेट था जो पहले नहीं गया घूमने वो जाओ क्योंकि जितनी भी महिलाएं मिली सारी नुबली भी हम तो पहली बार जाओ। भाई क्या है कि मतलब पुरुष तो कभी ना कभी किसी न किसी बहाने तीर्थ यात्राओं पर कहीं भी चला जाता है परंतु बुजुर्ग महिलाओं के लिए थोड़ी दिक्कत रहती है आने जाने में। और एक ये क्या है कि महिलाएं समूह के तौर पर जाना बड़ा पसंद करती हैं। आप देखते होंगे कि यहाँ पर खड़ताल और ये ढोल मंजीरे बज रहे हैं जी, जी। तो ये एक किस्म से ये समझो कि प्रत्येक गांव में प्रत्येक वार्ड में और जो मंदिर है वहाँ पर इनकी महिलाओं की अपनी टोलियाँ हैं तो ये टोली में जाकर के ज़्यादा इनको आनंद आता है। चाहे वो खाटू जी राम गए हैं तो देखा है अपनी मस्ती में ही मगन है। कई बार हम कांवड़िया ने देखा जो कांवड़िए जब आया कर दे तो एक आधा कांवड़िया तो ऐसा था जो अपने माँ बाप ने पालड़ी में बिठा के ले रहे थे। हाँ। अब कुछ महिलाएं मिली भाई यो काम श्रवण कुमार ने लिया था कदे। श्रवण कुमार के बाद आज के टाइम पे ऐसे बेटे भी नहीं रहे जो घुमा ले पालड़ी तो बहुत दूर की बात है। तो महिलाएं कहीं भावुक भी होगी भाई मुकेश ने हमारे बारे में सोचा बींग श्रवण कुमार। अरे ना 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 ऐसी बातें करके ना आप उनका कड़े मुकाबला कड़े श्रवण कुमार जी मैं तो उनके पैर की धूल भी को नहीं मतलब अगर मैं सह का श्रवण भी पहली मात्रा लिखने की सोचूँ तो मैं उनके पैर की धूल नहीं। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है इसके बारे ऐसी बात नहीं ये तो बस ठीक है सक्षम कर दिया भगवान ने और यहाँ पर मिलजुल के हम सब साथी अपने ठीक है लगी हुई टीम सारी। तो अब इलेक्शन को किस नजरिए से इस प्रोग्राम ने देखो इलेक्शन के बाद इलेक्शन का टाइम करेंगे तो श्रवण का भी न है आज जो है ना भगवान भोलेनाथ की चर्चा करना वही ठीक है। चलो जी बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद जगदीप राम राम जी राम 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 राम। अच्छा आपका क्या कहना है जो मुकेश गौड़ ने स्टेप उठाया ये मुकेश गौड़ की मानता है जी जी। और मैं तो इस विषय में एक चीज कहूँगा कि धर्म कर्म की हमेशा फतेह होती है और ये श्रावण का महीना चल रहा है श्रावणी महीने में इन्होंने जो स्टेप उठाया है तो भोलेनाथ के साथ साथ जितनी माताएं बहनें हैं वो इनको पूरा पूरा आशीर्वाद देंगी। क्या ये स्टेप पॉलिटिकल भी हो सकता है? नहीं पॉलिटिकल तो ये हैं लेकिन पॉलिटिकल के साथ साथ जो है ना ये धार्मिक बहुत ज़्यादा हैं तो इन्होंने उस एंगल से नहीं दिया इन्होंने एक अपना भोलेनाथ के प्रति जो है इनकी जो श्रद्धा है सच्ची श्रद्धा तो उसके एंगल से ये जो है ना फिलहाल इन्होंने किया हुआ है तो इसका इनडायरेक्टली आप ये लगाएंगे भी दूसरे भी लगाएंगे तो फल तो भगवान ने देना है। कृष्ण भगवान ने गीता में कहा था भी कर्म करो फल की इच्छा मत करो तो उस पैटर्न पे चल रहे हैं भी इनका मोटिव है कि भी जितने भी जो माता बहनें हैं मैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनको माता गंगा के आशीर्वाद से जो है इनको भोलेनाथ के चरणों में जाके जो है उनको स्नान करवाएं वहाँ गंगा माई में और एक अच्छा इनको भगवान जो है फल देगा ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है ये तो। भाई साहब राम 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 भाई क्या कहना चाहोगे ये जो कार्यक्रम चल रहे हैं? भाई सबसे पहले तो मैं प्रवीण भोजी आपके जितने भी चैनल को देखने वाले हैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ आप इधर पहुँचे एक धर्म की बात सब तक ये संदेश पहुँचाने के लिए। और रही मुकेश गौड़ की बात भाई मैं ये कहना चाहूँगा ये राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है क्योंकि वो तो टाइम टाइम से ऐसे ऐसे प्रोग्राम करते रहते हैं उनके जो बड़े भाई हैं वो भी सत्संगी हैं और इन्होंने सत्संगी एक इकट्ठा करके हरिद्वार तक ये निःशुल्क जो यात्रा करी है बगैर खाने का बगैर पीने का कोई भी खर्चा सब अपने आप उठाया है। तो ये ऐसे ऐसे प्रोग्राम काफ़ी पहले भी हुए हैं और राजनीतिक से न जोड़ करके इसको एक आस्था से जोड़ें क्योंकि इससे पहले जो भिवानी में आपने देखा होगा आपने खुद लाइव दिखाया था वर्ल्ड कप कराया था कबड्डी का तो भी एक खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए ऊपर उठाने के लिए था लाखों करोड़ों का इनाम उसमें रखा गया था हर एक खिलाड़ी का बेस्ट रेडर हर एक मैच में रखा गया था बेस्ट कैचर रखे गए थे। तो आज भी उसी तरह ही आज भगवान की मर्जी होती है भोले की मर्जी होती है जो किसी किसी में ऐसी सद्बुद्धि देते हैं और आज मुकेश गौड़ को द्वारा भाई ये उनके हाथों का नाम है ये और है तो ये भोलेनाथ की कृपा आप देख सकते हो भाई कितनी बसें और वो भी पूरे के पूरे श्रावण महीने में तो बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। कई तो जो एमएलए एमपी बन जाते हैं उनके दिमाग में नहीं आती ये बात कि भाई मैं ऐसा प्रोग्राम करूँ नहीं करूँ बाप मानते हो इस चीज़ को तो ये बहुत बड़ी बात है। और हम कहते हैं आज पूरा भिवानी जिला ये बोलता है अगर उनकी आवाज़ है ये कि ऐसा सेवक जो बगैर निस्वार्थ के ऐसा काम करता है उसको भगवान भाई आज आगे तरक्की तक ले जाए। भाई साहब राम 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 भाई साहब। अच्छा इस प्रोग्राम ने देख के क्या कहना है?
भाई जो भाई साहब का जो सेवा भाव है बूढ़ी माताओं बहनों के प्रति वो एक अटूट है और भाई साहब की मनोकामना पूरी करे भगवान, हम तो ये दुआ करे। जो भाई साहब देखी बुजुर्ग बुजुर्ग महिलाएं थी वे मीनू बोली भाई हम तो पहली बार जावा। हाँ तो क्योंकि जो अपने मंदिर है कॉलोनिया में या गाँव में मंदिर है उनकी एक टोली है बूढ़ी माताओं की, उनको जाने में दिक्कत होती है इकट्ठी जाने में, जैसे अभी ये ढोल बज रहे हैं बसों में भजन करती जा रही हैं तो एक साथ जाएंगी एक समूह होता है, जैसे हम भी साथी लोग समूह टूटता नहीं बना रहा। हाँ हम भी साथी लोग जाते हैं घूमने के लिए तो एक ग्रुप में जाते हैं जी, जी। तो इनको भी एक ग्रुप का आनंद आएगा और ये भी हम चाहते हैं कि भाई के लिए दुआ करें और भाई एमएलए बने भी होनी चाहिए। वही राजनीति बात भाई साहब। राम राम। राम राम। अच्छा क्या कहना चाहोगे इस कार्यक्रम को लेकर? ये कार्यक्रम बहुत बढ़िया कर रहे हैं भाई साहब। जिन महिलाओं की हरिद्वार जाने की इच्छा थी, जो इच्छा पूरी नहीं हो पा रही थी, वो भाई साहब के माध्यम से पूरी हो रही है। और भाई साहब का शुरू से धर्म कर्म में विश्वास है। 2007 में युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष थे तो सारा युवा मोर्चा कोई सबसे पहले खाटू जी लेके गए थे ये। तो भाई ये है यहाँ का कार्यक्रम। और भाई टीम मुकेश गोड बड़ी टीम है, नू नहीं है कि भाई छोटी सी टीम है ना, बड़ी टीम है और बड़े स्तर पर प्रोजेक्ट भी छेड़ रहे हैं। फिलहाल यह वीडियो इतनी, आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में मेरी राय दे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बात माता की जय। थैंक यू मेरे भाई।